प्रदेश में बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं और पुलिस इन बदमाशों की धरपकड़ में लगातार जुटी है। पूर्णिया पुलिस ने लूट, डकैती और छिनैती के बड़े गिरोहों का पर्दाफाश किया है। बता दें कि एसआईटी की टीम ने गिरोह के मास्टरमाइंड राकेश ठाकुर समेत गिरोह के 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी विशाल शर्मा ने कहा कि इलाके में लूट और छिनैती की घटनाएं काफी बढ़ गई थी, जिस पर सख्त कार्रवाई करते हुए सदर एसटीपीओ आनंद पांडे के नेतृत्व में एसआईटी की टीम बनाई गई, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर मरंगा थाना इलाके से 5 शातिर लुटेरों को धर दबोच लिया। वर्तमान में अभी पूर्णिया शहर में एक बड़ा लुटेरों का गैंग सक्रिय था, जो अक्सर सुनसान रास्तों पर जो पब्लिक जाती थी उनसे छिनतई और लूट की कई घटनाओं में शामिल रहा है। अभी रिसेंटली जो है लगभग 4 घटनाओं में शामिल रहा है, और इसी माह में जो है लगभग 11 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें हथियार के बल पर इन लोगों ने घटना कारित कर दी थी। तो ये एक एक्टिव लुटेरे का गैंग था जिस पर हम लोग काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे थे। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में हमारी टेक्निकल ऑफिसर्स और एसएचओ लोग की टीम कंटिन्यूसली इसमें इन लोगों को ट्रैक कर रही थी, फॉलो कर रही थी। हम लोग को लीड के रूप में हम लोग के सीसीटीवी कैमरा से जो है इन लोग का हुलिया और गाड़ी जो लोग ये इन्होंने प्रयोग की थी घटना में वो मिल गई थी, तो हुलिया के आधार पर इन लोग को आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद से पूर्णिया पुलिस को उपलब्धि मिली है इस गैंग के 5 सक्रिय सदस्यों को पकड़ने में, जिनके पास से जो लूट की घटना कारित करने में इन लोग ने 2 मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था उसकी बरामदगी हुई है। एक इन लोग के पास से जिंदा पिस्टल मिला है, 5 जिंदा कारतूस मिले हैं, और उसके अलावा जो है लूटे हुए पैसे थे उस पैसों की रिकवरी की गई है। और जो ये राकेश कुमार है, इसका आप देखोगे एक बड़ा ही विस्तृत अपराधी के इतिहास रहा है, तो निश्चित रूप से एक एक्टिव लुटेरों का गैंग था। वहीं रघुवंश नगर पुलिस ने बूचर गिरोह के शूटर विनोद यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे 2 हथियार और 40 गोलियां बरामद की गई हैं। शातिर शूटर विनोद यादव पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। ये रघुवंश नगर ओपी अंतर्गत एक कुख्यात अंतर जिला शूटर, जिसके बूचर यादव गैंग से भी संबंध था और अन्य कई कुख्यात अपराधियों के लिए शूटर का काम करता था, उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि विनोद यादव है। वो मेला देखने रघुवंश नगर आया हुआ था, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली, तो तत्काल ही एक एसआईटी का गठन किया गया एसडीपीओ धमदाह के नेतृत्व में। उसके बाद उनके साथ में और एसएचओ लोग गए और उसको रेकी करके उसको वहां पर आइसोलेट किया गया मेले में। उसके बाद उसको वहां से उठाया गया। जो ये विनोद यादव अपराधी है, इसके पास से 2 हथियार मिले और लगभग 40 गोलियों की रिकवरी भी हुई है, और ये एक्टिव रूप से अभी भी इन्वॉल्व था कई घटनाओं में, और इसका भी हाल फिलहाल का भी अपराधी के इतिहास मिला है, जो कि बिहारीगंज थाना में इसने कई घटनाएं कारित करी हैं। उसके बाद रघुवंश नगर में भी ये कैंप करा था, तो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। पुलिस को बदमाशों से 2 मोटरसाइकिल, जिंदा पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, साथ ही लोगों से लूटे गए पैसे भी जब्त कर लिए गए हैं। बहरहाल पुलिस ने सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर रेल एसपी अशोक कुमार सिंह ने अपराध को रोकने के लिए बड़ी पहल की है। वहीं रेल एसपी अशोक कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी और बेतिया समेत कुल 12 जिलों के छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर एक क्राइम सेंटर खोला गया है, जहां एक एएसआई और 2 जवान 24 घंटे ड्यूटी करेंगे, जिनका सीधा संपर्क मुख्यालय से होगा। रेल जिला मुजफ्फरपुर में जो भी थाने और पीपी नोटिफाइड हैं, तो भ्रमण के क्रम में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन, इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं, जहां पे मैन नहीं है, तो वहां पे कुछ न कुछ स्ट्रेंथ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यात्रियों का आवागमन होता है। तो इस तरह से सभी पूरे जिले में, मुजफ्फरपुर रेल जिले के में पड़ने वाले सभी 12 जिलों में लगभग 26 पॉइंट को हम लोग चिन्हित किए, और सभी पॉइंट पे 26 पॉइंट पे क्राइम सेंटर खोला गया, जो 27/5/19 से हम लोग वहां पे डिप्लॉयमेंट किए, जिसमें एक पदाधिकारी और 2 कर्मी को वहां लगाया गया है, जो राउंड द क्लॉक 24 घंटा वहां पे रहते हैं और वहां की विधि व्यवस्था का संधारण करते हैं, आने जाने वाली ट्रेन को चेक करते हैं, जो सीधे वहां से थाना प्रभारी से कनेक्ट रहते हैं, और किसी भी प्रकार की बात होने पे वहां से हम लोग उसे भी सीधे रिपोर्टिंग वो लोग करते हैं, जिससे वहां की व्यवस्था बनी रहे। त्योहारों के दिनों में पुलिस लोगों की सुरक्षा में जुट गई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर रेल में पड़ने वाले कुल 12 जिलों में 26 क्राइम सेंटर खोले गए हैं। वहीं रेल पुलिस की इस पहल की सराहना की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार और मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।